नमस्कार, देश टीवी के प्रतिदिन समाचार में मैं हूं आपके साथ लीना। बढ़ते हैं खबरों की ओर और देखते हैं खबरों की सुर्खियां। हथियारबंद नक्सलियों के समर्पण पर मेहरबान हुई सरकार, नए शस्त्रों पर भी अनुग्रह राशि देने कैबिनेट ने लगाई मुहर। मतदान सूची का किया गया अंतिम प्रकाशन, नामांकन की अंतिम तिथि का किया जा सकता है ऑनलाइन आवेदन। आलाकमान के फरमान के बाद पीसीसी चीफ ने ली जमानत, जेल से निकलते ही सरकार पर बिफरे भूपेश। और आधार कार्ड पर आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला, छत्तीसगढ़ ने किया फैसले का स्वागत। अब खबरें विस्तार से। रमन कैबिनेट ने आत्मसमर्पित नक्सलियों को बड़ी राहत दे दी है। सरकार ने समर्पण नीति के तहत दिए जाने वाले अनुग्रह राशि में बदलाव किए हैं, जिसमें कि नए शस्त्रों को भी इस समर्पण अनुदान राशि के लिए जोड़ा गया है। सरकार ने यह फैसला नक्सलियों के समर्पण के आंकड़े बढ़ाने की उम्मीद से लिया है। राज्य सरकार की नक्सल समर्पण नीति से प्रभावित होकर अब तक सैकड़ों नक्सली और माओवादी संगठनों को अलविदा कह दिया है। प्रदेश में नक्सल पुलिस और सरकार के सामने समर्पण कर जीवन की मुख्य धारा में जुड़कर जी रहे हैं। सरकार ने ऐसे लोगों को बकायदा एक नई जिंदगी जीने के लिए अनुग्रह राशि का भी प्रावधान कर रखा है। हथियारबंद नक्सलियों के समर्पण के प्रावधानों में ही कुछ और नए शस्त्रों को भी जोड़ते हुए रमन कैबिनेट ने अनुदान राशि का फैसला किया है। नक्सलियों के समर्पण को बढ़ाने की उम्मीद से रमन कैबिनेट ने यह फैसला लिया है। शस्त्रों पर अनुग्रह राशि देने के पूर्व के प्रावधानों में इन हथियारों को शामिल किया गया है। रॉकेट लॉन्चर 84 MM 5 लाख, त्रिची असॉल्ट TAR 3 लाख, ईशान राइफल 1.5 लाख, X95 असॉल्ट राइफल MP 9 टेक्निकल 1 लाख, एक्सलेबियर 5.56 MM 60,000, UBGL अटैचमेंट 40,000, 315 बोर राइफल 30,000, ग्लॉक पिस्टल 9 MM 25,000, प्रोजेक्टर 13-16 मास्केट राइफल UBGL 2,000। गौरतलब है कि राज्य सरकार द्वारा 16 नवंबर 2015 को जारी आदेश में नक्सल पीड़ित व्यक्ति और आत्मसमर्पित नक्सलियों के पुनर्वास के लिए विस्तृत प्रावधान किए गए हैं, जिनमें एक प्रावधान ये भी है कि आत्मसमर्पित नक्सलियों ने यदि शस्त्रों के साथ समर्पण किया है तो उसे समर्पित शस्त्रों के बदले मुआवजे के रूप में शासन द्वारा अनुग्रह राशि स्वीकृत की जा सकेंगी, जिसमें गुरुवार को हुए कैबिनेट की बैठक में नए प्रावधान जोड़े गए। देश टीवी के लिए निखिल विश्वकर्मा की रिपोर्ट। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती को भव्य बनाने सरकार वृहद स्तर पर तैयारियां कर रही है। इस बार गांधी जयंती पर प्रदेश भर में कई तरह के कार्यक्रम किए जाने हैं। महात्मा गांधी जयंती समारोह के आयोजन के लिए सरकार ने एक राज्य स्तरीय समिति का गठन भी किया है, जिसकी तैयारियों की समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने मंत्रालय में एक बैठक ली। बैठक में मुख्यमंत्री ने समारोह की तैयारियों का जायजा लिया और अहम बैठक की दिशा निर्देश भी दिए। बैठक में मुखिया के साथ पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री अजय चंद्राकर, मुख्य सचिव अजय सिंह समेत समिति के तमाम सदस्य भी मौजूद थे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह 30 दिनों में तीसरी बार छत्तीसगढ़ आएंगे। इस महीने वे 2 बार आ चुके हैं। अब वे 5 अक्टूबर को दुर्ग में होने वाले महिला महासम्मेलन में शिरकत करने आएंगे। इस सम्मेलन को लेकर महिला मोर्चा ने तैयारी भी शुरू कर दी है। 26 सितंबर को दुर्ग में इसको लेकर बैठक रखी गई है। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष धरमलाल कौशिक, राज्यसभा सांसद और भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव सरोज पांडे भी शामिल होंगी। बैठक में सभी जिले के जिलाध्यक्ष भी रहेंगे। विधानसभा चुनाव में प्रदेश संगठन को अमित शाह ने 65+ सीटें जीतने का लक्ष्य दिया है। इस लक्ष्य तक पार्टी को पहुंचने के लिए अमित शाह भी छत्तीसगढ़ के चुनावी समर में लगातार सक्रिय भूमिका में रहेंगे। इसका संकेत यहां पर 2 दिन पहले शक्ति केंद्रों के कार्यकर्ता सम्मेलन के साथ बड़ी बैठक में दे चुके हैं। उन्होंने साफ तौर पर सबको चेतावनी दिया है कि किसी भी कीमत पर 65 से कम सीटों को जीत नहीं मानी जाएगी। आदरणीय अमित शाह जी पुनः आएंगे छत्तीसगढ़, मात्र शक्ति के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। 1 लाख लोगों की, महिलाओं की, माता बहनों की संभावना है उस सम्मेलन में। निश्चित रूप से अब तो चुनाव का शंखनाद हो ही जाने वाला है थोड़े दिनों में। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन गुरुवार को किया गया, जिसमें नाम जोड़ने और सुधारने का काम भी किया गया और साथ ही अंतिम मतदाता सूची को निर्वाचन कार्यालय के वेबसाइट पर भी अपलोड किया गया। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू ने गुरुवार को मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की जानकारी देते हुए मीडिया प्रतिनिधियों से चर्चा की। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के निर्धारित कार्यक्रम अनुसार राज्य के 100% मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने,
पात्रों के नाम विलोपित करने और त्रुटिपूर्ण नामों को संशोधित करने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा सूची का संक्षिप्त पुनरीक्षण किया गया, जिसका अंतिम प्रकाशन 27 सितंबर यानी गुरुवार को किया गया है। अंतिम मतदाता सूची को निर्वाचन कार्यालय की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराया गया है। यदि कोई पात्र मतदाता अपने आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं कर सका हो तो नामांकन की अंतिम तिथि तक वो अपना नाम ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। अंतिम प्रकाशन के मतदाता की संख्या में वृद्धि हुई है, जिसके अनुसार 1,85,45,819 मतदाता है। सीओ ने कहा कि राज्य में सबसे ज्यादा मतदाता रायपुर जिले में और सबसे कम नारायणपुर जिले में है। मतदाताओं को ईवीएम और वीवीपैट मशीन के प्रयोग का प्रयोगात्मक ज्ञान उपलब्ध कराने के लिए द्वितीय चरण में दिव्यांग, कुष्ठ प्रभावित नागरिक और तृतीय लिंग को विशेषकर फोकस किया जाएगा। विधानसभा निर्वाचन 2018 में प्रत्येक मतदान केंद्र पर दिव्यांग मतदाताओं के लिए रैंप का निर्माण और व्हीलचेयर की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। निर्वाचन प्रक्रिया की शुद्धता बनाए रखने के लिए नगद लेन देन में भी आयोग की नजर रहेगी, जिसमें 1,00,000 से ज्यादा की राशि निकासी या बैंक खाते में डाले जाना संदेहजनक होने पर जांच के आदेश दिए जाएंगे, जो कि चुनाव के समय प्रलोभन के रूप में देखा जा सकता है। साथ ही जमा की जाने वाली निकासी की नगद राशि की रकम 10,00,000 से ज्यादा हो तो ऐसी सूचनाओं को आयकर विभाग के नोडल अधिकारी को आयकर विधियों के अंतर्गत आवश्यक कार्यवाही के लिए भेजी जाएगी। आज 27 सितंबर को भारत निर्वाचन आयोग के प्रसारित शेड्यूल अनुसार मतदाता सूची इलेक्ट्रल रोल का अंतिम प्रकाशन किया जाना था। हम शेड्यूल पर हैं। अपात्रों के नाम विलोपित करने एवं त्रुटिपूर्ण नामों को संशोधित कर सुधार करने के लिए निर्वाचन आयोग के द्वारा सूची का संक्षिप्त पुनरीक्षण किया गया है, जिसका अंतिम प्रकाशन आज दिनांक 27 सितंबर 2018 को किया गया है। यदि कोई पात्र मतदाता अपना आवेदन प्रस्तुत नहीं कर सके हों तो नामांकन की अंतिम तिथि तक वह अपना नाम जोड़े जाने के लिए संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को या ऑनलाइन निर्धारित प्रारूप में आवेदन nvsp.in पर कर सकते हैं। कंटिन्यूअस अपडेशन की कार्यवाही के तहत ये कार्यवाही जारी रहेगी। एपिक कार्ड के लिए आवेदन किया जा सकता है, जिसके लिए सशुल्क कार्ड जारी किया जाएगा। तहसील कार्यालय से कार्ड प्राप्त किया जा सकेगा। साथ ही उन्होंने कलेक्ट्रेट के खिलाफ की जा रही जांच को प्रक्रियाधीन बताया और जांच पूरा होने के बाद ही रिपोर्ट देने की बात कही। एपिक कार्ड उपलब्ध कराने के लिए व्यवस्था है, बशर्ते कि वो उसके लिए आवेदन करेंगे। इसमें दो प्रकार की चीज़ें हैं। एक है जिनको फर्स्ट टाइम है उनको हम निःशुल्क देंगे, लेकिन जिन्होंने ऑलरेडी एक एपिक कार्ड ले चुके हैं और उनको दूसरा नाम परिवर्तन या स्थल परिवर्तन या किसी प्रकार का संशोधन एड्रेस वगैरह का संशोधन करा है तो उनको सशुल्क अर्थात शुल्क सहित एपिक कार्ड देने का प्रावधान है। ये तहसील कार्यालय में या ईआरओ कार्यालय में संपर्क कर सकते हो, जो सामान्यतः तहसील या उप तहसील में ही होता है। लिहाजा मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद चुनावी प्रक्रिया में और तेजी होने की संभावना प्रबल हो गई है। ऐसे में अब चुनाव आचार संहिता लगने की तिथि करीब होने का कयास भी लगाया जा रहा है। देश टीवी के लिए कैमरामैन ऋषि नेताम के साथ स्वरूप भट्टाचार्य की रिपोर्ट। गुरुवार को मीडिया कर्मियों के सामने ईवीएम और वीवीपैट मशीन का डेमो दिखाया गया, जिसमें मीडिया कर्मियों ने मास्टर ट्रेनर से सवाल जवाब किए। इसके साथ ही लोगों को इसकी जानकारी देने के लिए जन जागरूकता भी फैलाया जा रहा है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में गुरुवार को मीडिया के प्रतिनिधियों को ईवीएम और वीवीपैट मशीन के संबंध में विस्तार पूर्वक नोडल अधिकारी और मास्टर ट्रेनरों द्वारा जानकारी दी गई। उपस्थित मीडिया प्रतिनिधियों ने ईवीएम और वीवीपैट मशीन के प्रदर्शन से बड़ी उत्सुकता से इस मशीन के कार्य प्रणाली से अवगत हुए। साथ ही पत्रकारों ने स्वयं मशीन का प्रयोग कर देखा और मास्टर ट्रेनर से कई सवालों के जवाब भी लिए। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू के मार्गदर्शन में मास्टर ट्रेनर और सहायक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी पुलक भट्टाचार्य ने मीडिया प्रतिनिधियों को इस मशीन के कार्य प्रणाली के बारे में विस्तार से जानकारी दी। भट्टाचार्य ने बताया कि मतदान को बढ़ाने के लिए जन जागरूकता बढ़ाए जा रहे हैं। इसके लिए ईवीएम वीवीपैट का प्रदर्शन सार्वजनिक स्थानों पर लगातार किया जा रहा है। इस बार चुनाव में ECIL कंपनी की M3 ईवीएम मशीन का उपयोग किया जा रहा है। ये कंपनी सरकारी है। कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपैट को एक साथ जोड़कर मतदान केंद्रों में रखा जाएगा, जिसमें मतदाताओं द्वारा बटन दबाए जाने के बाद वीवीपैट मशीन में उम्मीदवार के नाम और चिन्ह 7 सेकंड के लिए मतदाता को दिखेगा, जिसके बाद ये स्लिप वीवीपैट के अंदर ही रह जाएगा। एक बार इस बैलेट यूनिट में 16 से ज्यादा उम्मीदवारों के नाम रह सकेंगे। शहरी मतदान केंद्रों में 1400 और ग्रामीण मतदान केंद्रों में 1200 वोटर एक मतदान केंद्र में होंगे।
ऐसे में वीवीपैट में 1500 स्लिप की जगह बनाई गई है। देखिए, जो छत्तीसगढ़ में निर्वाचन हो रहे हैं इसमें ECIL द्वारा निर्मित M3 मशीनों का प्रयोग किया जा रहा है। इस M3 EVM मशीन के दो हिस्से होते हैं, एक होता है कंट्रोल यूनिट और एक बैलेट यूनिट होता है। कंट्रोल यूनिट वो होता है जो हमारे अधिकारी के पास रहता है और बैलेट यूनिट वो है जिस पर कोई भी मतदाता वोट डालता है। बैलेट यूनिट के साथ ही VVPAT मशीन रखी रहेगी। VVPAT मशीन ये है जिस पे कोई भी मतदाता जब वोट डालेगा तो वो जिसको भी वोट डालेगा, जिस प्रत्याशी को, उस प्रत्याशी के नाम की पर्ची वहाँ पर जनरेट होगी और वो पर्ची 7 सेकंड तक उनको दिखाई देगी। ये थर्मल प्रिंटेड पर्ची होगी, इसलिए इस पे इंक ख़त्म होने की कोई बात नहीं है कि ये इंक ख़त्म हो जाएगा ये प्रिंटर पे, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये थर्मल प्रिंटेड होगी और ये पर्ची कट कर 7 सेकंड के बाद अंदर गिर जाएगी। ये पर्ची कोई वोटर अपने घर नहीं ले जा सकता, क्योंकि ये जो पर्ची का कंपार्टमेंट है ये टोटली सील बंद रहेगी। बहरहाल इस बार के विधानसभा चुनाव में प्रदेश के सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों के मतदाता पहली बार EVM के साथ VVPAT मशीन का उपयोग करेंगे। इसमें कोई कमी न रह जाए या मतदान के समय कोई लोग अनजान न रह जाए, इसके लिए चुनाव आयोग की ओर से जन जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जो कि सफल होता भी दिखाई दे रहा है। देश TV के लिए कैमरामैन ऋषि नीताम के साथ स्वरूप भट्टाचार्य की रिपोर्ट।